हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा सारा का सारा इंडोर प्लांट है फ्रेंड, यानी कि मेरा इंडोर बालकनी गार्डन। और यहाँ पे मैंने एक सिंगोनियम प्लांट की कटिंग लगाई थी फ्रेंड, जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ में आ गई है। और डोरमेंसी के टाइम पे, यानी कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो होता है, इनका डोरमेंसी टाइम होता है, तो इस टाइम पे भी हम कटिंग को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और कटिंग 100% चलेगी, फेल नहीं होगी। एक बिगनर भी इसको इस तरीके से लगाएंगे तो कभी कटिंग फेल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला पौधा है फ्रेंड, ये वाला मैंने कटिंग लगाया था सिंगोनियम का कहीं से ला के, और ये वैरायटी भी दूसरी है। जैसे कि ये मेरा घर वाला जो सिंगोनियम था, ये एकदम से ग्रीन पत्ते हैं और यहाँ पे इसके बीच में वाइट कलर का है, तो ये वाला कटिंग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर गया है। आप देख सकते हो इसके पत्ते यहाँ पे नीचे में इस तरीके से हैंग कर रहे हैं फ्रेंड। तो इसकी जो मैंने कटिंग लगाई है फ्रेंड, बिना कट करे कटिंग को लगाया है, बहुत आसानी से इस तरीके से प्रोपोगेशन हम कर सकते हैं हर एक यानी बेल वाले प्लांट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने यानी इसकी बेल को लिया था फ्रेंड, और उसके बाद यहाँ पर इस पार्ट में मैंने इसकी बेल का जो नोड एरिया रहता है पत्तों के नीचे वाला एरिया, उसको मिट्टी में दबा दिया था फ्रेंड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, और डोरमेंसी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पत्ते की ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे उसके बाद ये बेल जैसे जैसे लंबा होने लगा फ्रेंड, जैसे इसकी लंबाई बढ़ी, मैंने इस पॉट में भी इसको यहाँ पे मिट्टी में दबा दिया। तो जितने भी बेल वाले प्लांट रहते हैं फ्रेंड, सबका जो नोड एरिया रहता है उसमें रूट बाहर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो इसका नोड एरिया है, यहाँ पे इसके पत्तों के नीचे, और यहाँ पे इसका रूट बाहर आ रहा है। तो मैं अगर इस जगह को कहीं पर भी इस तरीके से मिट्टी में दबा दूँगी, यानी कि इस तरीके से कहीं भी मिट्टी के अंदर इस जगह को नीचे दबाना होता है, दबा देंगे तो यहीं से इसकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिंगोनियम के प्लांट में ही, मनी प्लांट में भी हम इस तरीके से बहुत आसानी से प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और अभी दिसंबर चल रहा है फ्रेंड, लेकिन आप देख सकते हो मेरे कटिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये वाला लीफ अभी आया हुआ है, और मैंने अभी दिखाया दूसरी जगह भी, यहाँ पर भी पत्ते की ग्रोथ हो रही है। तो ये प्लांट डोरमेंसी में जाने के बाद भी इस तरीके से ग्रोथ करता है, अगर आप इस तरीके से इसकी केयर करते हो। यानी कि विंटर के टाइम पे इसमें तीन बातों का ध्यान देना होता है फ्रेंड। पहले तो पानी का, ज़्यादा पानी भी इसके लिए ठीक नहीं होता है, और कम पानी भी देना इसके लिए ठीक नहीं होता है। और पानी का जो ड्रेनेज होल होता है, कभी भी मैं कहती हूँ फ्रेंड कि पानी का जो ड्रेनेज होल होता है वो एकदम सही रहना चाहिए। हम पॉट में मिट्टी में पानी डालते हैं, और पानी जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो बाहर की ओर से, नीचे की ओर से निकल जाए, तभी हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है, चाहे वो कटिंग हो या कोई सा भी दूसरा प्लांट हो। इसको विंटर के टाइम पे कोई भी खाद हमें देना नहीं होता है फ्रेंड, चाहे कोई सा भी इंडोर प्लांट हो। इनको ऐसे ही छोड़ देना होता है करीब 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और उसके बाद हम इसमें कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं फरवरी के टाइम पे। तो अभी इसमें और एक चीज़ का ध्यान देना होता है फ्रेंड, इंडोर प्लांट जो है, इसकी मिट्टी जब गीली रहती है, इस तरीके से मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, तो आप बिल्कुल पानी ना दें, मिट्टी एकदम से सूख जाती है। 1-1.5 इंच से भी ज़्यादा जब आपको लगता है ये सूख गई है, तभी इसमें पानी दे, क्योंकि ऊपर ऊपर तो मिट्टी सूख जाता है, लेकिन अंदर के और मिट्टी एकदम से गीला रहता है इसके लिए। और पानी देने के टाइम पे एक बात का ज़रूर ध्यान दे फ्रेंड, कि सुबह के टाइम पे पानी दे दे। अगर शाम के टाइम पे 5-6 बजे के बाद आप पानी दोगे प्लांट में, तो क्या होगा ना कि इसके ऊपर की भी पत्ते इस तरीके से भीगे रहेंगे पानी देने के बाद, और इसमें फंगल लगने का डर रहता है। 12 बजे यानी कि, या फिर 3-4 बजे भी आप इसमें पानी दे सकते हो। ऐसे टाइम पर आप दोगे तो क्या होगा ना कि हवाएँ चलती है, उस हवाओं से या फिर हल्की फुल्की जो धूप आती है उसकी वजह से हमारे पत्तों में जो पानी गिरा हुआ रहता है वो पानी सूख जाएगा, और इसमें फंगल लगने का डर नहीं होगा। तो अगर आप शाम में देंगे पानी या 5-6 बजे के बाद देंगे, तो इसमें फंगल अटैक होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि विंटर के टाइम पे जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, इसलिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप तो इसमें लगता नहीं है। इसलिए बस पानी का ध्यान दे दें विंटर के टाइम पे, इतना ही काफ़ी रहता है फ्रेंड। और अपने पौधों को ऐसी जगह ना रखें जहाँ बहुत ज़्यादा ओस गिरती हो, उससे भी हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो इनको इस तरीके से इंडोर जगह में रखें जहाँ पे बालकनी के अंदर, तब ये बहुत अच्छे से चलेगा, यानी ये थोड़ा सेडी सा रहना चाहिए, इसके ऊपर छत रहना चाहिए फ्रेंड। और इस तरीके से हम कटिंग को काटे बिना हम बहुत आसानी से ढेरों पौधे बना सकते हैं, और डोरमेंसी के टाइम पे भी ये मल्टीप्लाई आसानी से इस तरीके से हो जाता है। तो सिर्फ इतना कर ले फ्रेंड। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।